में कमजोर वर्ग सीआईडी बिहार पुलिस और सीसीएसटी के संयुक्त अभियान में आज रेड लाइट एरिया में छापेमारी किया गया। इस छापेमारी में 10 लड़कियों के देह व्यापार से मुक्त कराया गया, साथ ही 2 कस्टमर को भी गिरफ्तार किया गया। ये छापेमारी पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग और खुशकीबाग रेड लाइट एरिया में किया गया। मानव अधिकार संगठन, स्थानीय पुलिस और बिहार पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूद थे। छापेमारी की जानकारी मिलते ही रेड लाइट एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस धंधे से जुड़े लोग भागने लगे। मौका पर बाई के गौतम ने बताया कि 10 लड़कियों में कई लड़कियां नाबालिग है, जिनके आगे की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और न सिर्फ पूर्णिया बल्कि बिहार के सभी रेड लाइट एरिया में काम कर रहे लड़कियों को मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। एंकर पिंकी सिंह के साथ टीम की रिपोर्ट। और सीसीएसटी बिहार के ज्वाइंट इनिशिएटिव में 2 जगहों पर रेड पड़ा है, एक खुशकीबाग में पड़ा है, दूसरा 0 माइल में पड़ा है। दोनों जगह से 10 बच्ची और 2 ग्राहक वहाँ से मुक्त कराए गए हैं और हम लोग का एक अभियान शुरू हुआ है, केवल पूर्णिया तक नहीं है, बिहार में जहाँ भी अनैतिक देह व्यापार हो रहे हैं और मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो हम लोगों का पर्पस है कि हम लोग इस ये जो समाज पर एक बड़ा कलंक है, इसको कैसे मिटाया जाए सरकार के सहयोग से, और सरकार के पुनर्वास की जो योजना है उससे जोड़कर कैसे मुख्य धारा में इन बच्चियों को लाया जाए। हम लोगों का सीधा पर्पस है कि इनके दूसरे जो बुनियादी अधिकार हैं, जो किसी के भी हैं, चाहे शिक्षा के हो, चाहे जीने का अधिकार हो, राइट टू डिग्निटी हो, तो इस तरह से हम लोग इसी की कड़ी में हम लोग यहाँ किए हैं। और हम लोग इस रूप में मानते हैं कि जो भी बच्ची है वो पीड़िता है और उसको मुक्त कराया गया है, और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि पुनः वो यहाँ नहीं आए बल्कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। और जो दूसरी बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य का, पुनर्वास के जो कार्यक्रम हैं, रोजगार के जो अवसर हैं, उससे हम इनको जोड़ें सरकार के सपोर्ट से। कितने माइनर थे सर इनमें से? देखने से 2-3 को अगर छोड़ दीजिए तो बाकी माइनर लगते हैं। एज का निर्धारण तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो लेकिन 10 को अगर देखिए तो 10 में 7 जरूर लगते हैं उसमें माइनर। मेडिकल के लिए भेजा गया है उनको? ना, अभी तो वही प्रोसेस में अभी आए हैं जस्ट। क्या लग रहा है, ये लोग जबरन व्यापार के धंधे में चले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों का अभियान पूर्णिया में कोई पहली बार अभियान नहीं हो रहा है, पीछे भी हुआ और आगे भी होगा। आज हम लोगों ने जो मुख्य रूप से जो इसके चलाने वाले लोग हैं वो आज हम लोग उन लोगों को नहीं वहाँ तक पहुँच हो पाई, हम लोगों का कार्यक्रम था वहाँ तक। लेकिन हमारी जो हुई थी, टीम में कौन कौन लोग थे? हाँ, टीम में थे, सरकार के पदाधिकारी थे बड़े संख्या पर, कैयक थाना के पुलिस थे पूर्णिया के, और बिहार पुलिस विभाग के भी लोग थे, और सीसीएसटी के लोग थे, स्थानीय पार्टनर थे, फिर हम लोगों की जो टीम थी सीसीएसटी का, और स्थानीय जो ऑर्गेनाइजेशन है टकवासी समाज न्यास, तो कोऑर्डिनेशन का सीसीएसटी पूर्णिया के ये भी पार्ट हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया पूरे प्रोसेस को करने में। पटना से सीआईडी की भी टीम आई? बिल्कुल बिल्कुल आई, और यहाँ की जो पूर्णिया की टीम नेतृत्व में नेतृत्व हम बताया कि आईजी वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग के आईजी, नेतृत्व नहीं निर्देशन कर सकते हैं, आदरणीय रत्न संजय कटियार जी के निर्देशन में पूरे बिहार में एक अभियान शुरू हुआ है, और उसमें आज 2 जगहों पर हम लोगों ने सक्सेस रिस्क किया है। पूर्णिया में एक जगह फारबिसगंज में भी हुआ है, फारबिसगंज में भी 6 बच्ची मुक्त कराई गई है और 5 उसमें से लड़के भी मुक्त कराए गए हैं, निकाले गए हैं कस्टमर, आज ही हुआ है। नाम बता देंगे जी? मेरा नाम वाई के गौतम है, सीसीएसटी बिहार के हम स्टेट कन्वेनर हैं।
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।